हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 और 18 जनवरी के डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और हमसे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल GAY शुभम, जहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएगा डेली के डेली। एंड आज का पहला क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ मिसेज वर्ल्ड 2022 ब्यूटी पेजेंट? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका सेलिन फोर्ड ने जीता है मिसेज 2022। एंड विच प्लेयर हैज वन द वुमेन सिंगल इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022? तो किस खिलाड़ी ने वुमेन सिंगल इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 जीता है? तो ये जीता है आपका बुशनन ओमांग बामरुंग फन, थाईलैंड से हैं, जो इन्होंने जीता है इंडियन ओपन 2022। एंड नेम द प्लेयर हु बीट एंडी मुरे टू लिफ्ट मेन सिंगल टाइटल एट सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 फाइनल। तो किस खिलाड़ी ने सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 के फाइनल में एंडी मुरे को हराकर जीत लिया है सिडनी टेनिस क्लासिक 2022? तो ये जीता है एंड्रयू रूबलेव ने, इन्होंने एंडी मुरे को हराकर फाइनल जीत लिया है सिडनी टेनिस क्लासिक 2022, जीता है एंड्रयू रूबलेव ने। एंड द इन्फिनिटी ब्रिज विच वॉज रिसेंटली ओपन फॉर पब्लिक ट्रैफिक इज बिल्ट इन विच ऑफ दिस प्लेस? तो किस प्लेस पे इसे बिल्ड किया गया है, इन्फिनिटी ब्रिज को, जो अभी हाल ही में पब्लिक के लिए खोल दिया गया है? तो ये बनाया गया है इन्फिनिटी ब्रिज दुबई में, ये आप देख सकते हो, ये पिक है इन्फिनिटी ब्रिज का। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ अडानी पावर लिमिटेड? तो अडानी पावर लिमिटेड के CEO किनको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शेर सिंह बी खयालिया को, ये है शेर सिंह बी खयालिया, ये बन गए हैं अडानी पावर लिमिटेड के नए CEO। एंड नेम द इंडियन पार्टिसिपेंट हु हैज बीन फैसिलिटेड विथ बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड एट मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रेजेंट? तो किनको मिला है नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रेजेंट में, बताइए? तो इनका नाम है नवदीप कौर है इंडिया की तरफ से, जो थी उनको मिला है बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रेजेंट में, और ये रहा उनका कॉस्ट्यूम और उनका पिक। व्हाट इज द थीम ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेविस एजेंडा 2022 समिट? तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का इस बार थीम क्या था डेविस एजेंडा का? तो इस साल थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये है थीम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेविस एजेंडा 2022 समिट का, और इसमें पहला भाषण दिया है चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग ने, तो ये भी देख लेना आप लोग, ठीक है? हाउ मेनी स्टार्टअप हैव बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021? तो नेशनल स्टार्टअप 21 के दौरान कितने अवार्ड डिक्लेयर किए गए? तो ये अवार्ड डिक्लेयर गए 46 अवार्ड डिक्लेयर किए गए हैं टोटल नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 के दौरान, जिसमें से कर्नाटका ने सबसे सर्वश्रेष्ठ हासिल किया है, सबसे ज्यादा पदक कर्नाटका ने जीते हैं स्टेट में। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ आर्मी डे द इंडियन आर्मी पुट ऑन डिस्प्ले द मॉन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग, द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी फैब्रिक एट लोंगेवाला, इन विच ऑफ दिस प्लेस इन लोंगेवाला लोकेटेड? तो लोंगेवाला कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। आर्मी डे के दिन यहाँ पे सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लैग लगाया गया था खादी फैब्रिक की मदद से, तो कहाँ पे है लोंगेवाला? तो ये है जैसलमेर में, जैसलमेर में है लोंगेवाला
इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम करीब में, और ये इन्होंने बनाया था 225 फीट लॉन्ग एंड 150 फीट वाइड नेशनल फ्लैग बनाया गया था, जिसका वेट था 1400 केजी, और ये जैसलमेर में बनाया गया था, लोंगे वाला जैसलमेर में है, तो ये आप लोग याद रखना। एंड विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन पैसिफिक एक्सरसाइज विथ रशियन नेवी शिप इन द अरबियन सी इन जनवरी 2022। तो जनवरी में जो एक्सरसाइज हो रहा था, पैसिक्स एक्सरसाइज, इंडिया और रशिया के बीच में नेवी एक्सरसाइज, इसमें इंडिया की कौन सी शिप, नेवी शिप इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही थी? तो ये थी INS कोची थी, जो पार्टिसिपेट कर रही थी रशिया के साथ पैसिक्स एक्सरसाइज में। तो ये आप लोग पैसेस याद रखना कि किसके साथ होता है, तो रशिया के साथ होता है, इंडिया रशिया ये एक्सरसाइज करते हैं, और ये नेवी एक्सरसाइज है पैसेक्स। विच प्लेयर हैज वन द इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022? तो किस खिलाड़ी ने इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने, जीता है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022। पंडित बिरजू महाराज हु पास्ड अवे वाज ए माइस्ट्रो ऑफ विच फील्ड? तो पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन हो गया, वो किस चीज के उस्ताद थे? तो ये कथक के उस्ताद थे पंडित बिरजू महाराज, जिनका निधन हो गया। एंड पद्मश्री अवार्ड ए शांति देवी हु हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88 वाज ए सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम विच स्टेट? तो शांति देवी किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा से, और ये सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एंड इब्राहिम बाबूबकर किता हु डिड डाई रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इब्राहिम बाबूबकर किता किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिनका निधन हो गया? तो ये माली के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इब्राहिम बाबूबकर किता। एंड थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल वीडियो नहीं आएगी, परसों आएगी वीडियो। तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और अपना प्यार दिखाओ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।